हे गाइस, आप सभी को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। माता रानी आपके घर में बरकत लेकर आए, बहुत सारी खुशियां लेकर आए, आपकी हर मनोकामना पूरी करे और आप हमेशा स्वस्थ रहे। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। मैं रेडी हो चुकी हूँ और आज मेरा फास्ट है, तो नवरात्रि के पूरे 9 दिन तो अभी करनी है मुझे कलश स्थापना। उससे पहले मैं पूजा के जितने भी बर्तन होते हैं उन सबको क्लीन करूँगी और फिर गंगा जल छिड़केंगे पूरे घर में। झाड़ू पोछा मैंने लगा दिया, उसके बाद कलश स्थापना करेंगे, फिर आरती करेंगे, तब तक सब रेडी हो जाएंगे। तो ये हैं वो बर्तन जो मुझे अभी क्लीन करने हैं। तो यहाँ पे मैंने पीताम्बरी ले ली है, इसके साथ क्लीन करते हैं। तो अभी मैंने बर्तनों को अच्छे से साफ़ कर दिया पीताम्बरी के साथ और देखो कितने अच्छे से साफ़ हो गए, बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं, बिल्कुल भी जोर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे सारे बर्तन क्लीन करके मैंने सूखने के लिए रख दिए हैं, तब तक मैं गंगा जल लेकर पूरे घर में अच्छे से छिड़क देती हूँ ताकि घर का शुद्धिकरण हो जाएगा। तो अभी मैं यहाँ कलश के ऊपर बनाने लग रही हूँ स्वास्तिक, और फिर मैंने इसमें डाल दिया है गंगा जल। गंगा जल के बाद मैंने इसको पूरा पानी से फिल कर दिया है और फिर मैंने इसमें कलावा बांधा है। अब मैंने 2 इलायची ली हैं, 2 लौंग ली हैं और फूल लिए हैं, सुपारी डाली है, सिक्का डाला है और साथ में आम के 5 पत्ते डाले हैं। ये तो सबको पता है, पत्ते तो सब डालते हैं। और यहाँ पे मैंने हल्दी वाले चावल बनाए हैं, मिक्स कर दिया उनमें हल्दी। हल्दी मिक्स करने के बाद मैंने वो पूजा पे जहाँ कलश स्थापना करनी थी वहाँ पे चावल रखे हैं नीचे, उसके ऊपर कलश रख दिया है। कलश के ऊपर भी चावल रखे हैं जो हल्दी में मिक्स किए थे और उसके ऊपर मैंने नारियल स्थापित किया है। अभी हमारी कलश स्थापना हो चुकी है, अभी करते हैं आरती की तैयारी। तो गाइस अभी हमारी आरती हो गई है। आरती करने के बाद चाय पीने के बाद मेरी बस का टाइम हो गया था, तो मैं स्कूल चली गई थी। तो अभी मैं स्कूल से वापस आई हूँ और मैंने फिर से चाय चढ़ा दी है अपने लिए यहाँ पे, जो कि बन के रेडी हो भी गई है, लेकिन मैं उसको अभी और पकाऊंगी क्योंकि सुबह सुबह ना चाय अच्छे से पकी नहीं थी जो मैं पी के गई थी। मुझे अच्छे से उबाल आए तो मजा आता है चाय पीने में। तो अभी बनाते हैं इसको। तो आज सुबह सुबह जो बोने थे दशहरे के लिए तो वो मेरे पास टाइम नहीं था, तो अभी शाम को बोएंगे। और पीछे थोड़ा सॉरी मैस पड़ा है क्योंकि वो सुबह क्लीन ही नहीं हो पाया क्योंकि कलश स्थापना करनी थी, बहुत सारे काम थे बाकी जो ज़्यादा ज़रूरी थे वो करके मैं चली गई थी, ये अब सेट करेंगे। तो अभी मैं पीती हूँ चाय, तो शाम को मिलते हैं आपको, मैं जौं बोऊंगी। गाइस अभी हो चुकी है शाम और अभी मैं बोने लग रही हूँ जौं। बच्चे जा चुके हैं ट्यूशन पर लेकिन मेरे को किस में बोऊँ यही समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने जुगाड़ लगाया है। मैंने लिया है टोकरी, तो इसमें मैंने चारों तरफ टेप लगा दिया और निचली साइड पोलोथीन रख दिया ताकि मिट्टी बाहर ना निकले। और एक मैं छोटा सा कंटेनर लेके आई नीचे से, सी आवाज़ आई पता नहीं किस चीज़ की, तो वो पप्पा के लिए मोदक लेके आए थे तो एक उसमें बो दूँगी, बोत है तो अभी बोते हैं उनको जल्दी से। यहाँ पे मैंने जो बो भी दिए हैं और अच्छे से मिट्टी भी ढक दिया है, इन पर पत्ते ढकने बाकी हैं, पत्ते ढकने हैं इन पर तोड़ तोड़ के। जय माता दी, जय माता दी। सॉरी गाइस, खांसी नहीं ठीक हो रही मेरी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो मैं अच्छे से कवर कर दूंगी इसको, कई लेयर चढ़ा दूंगी। यहाँ पे मैंने इस पे भी काफी लेयर चढ़ा दी हैं, ढक दिया अच्छे से। एक मैंने इसमें बोए हैं, इसको भी ढक दिया अच्छे से गमले में, और एक मैंने इसमें बोए हैं, इसको भी ढक दिया अच्छे से। तो तीनों को अच्छे से ढक दिया है। मेरा जौ बोने का काम कंप्लीट हो चुका है
और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा ये काम कंप्लीट हो गया, पेंडिंग था। और अभी मुझे डालना है पौधों में पानी, और साथ में अब मेरा मन कर रहा है कि मैं मीशो से या कहीं से भी सर्दियों के फूलों के लिए बीज ऑर्डर करूँ। अगर आपको पता है तो प्लीज़ मेरे को बताना ज़रूर कि कहाँ से ऑर्डर करने चाहिए, क्योंकि पेड़ लेके आओ तो महंगे भी पड़ते हैं ज़्यादा, लेकिन अगर बीज ऑर्डर करो तो मुझे लगता है कि बीज अब बोएंगे तो सर्दियों के टाइम तक अच्छे से ग्रो हो जाएंगे, तो उनके पौधे बन जाएंगे बीज के। तो आप कमेंट करके बताना, या फिर कोई भी गार्डनिंग वाले होते हैं ना, वो भी बीज ऑनलाइन प्रोवाइड करते हैं, तो अगर आपको पता होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना मेरे को। तो अभी मैं अपने पौधों में पानी डालती हूँ, और कल जो गोबर लेके आए थे ना, उपले बनाए थे, तो उसमें मैंने पानी धो के यहाँ पे इसमें गमले में डाल दिया था, क्योंकि कल तो मैंने पानी डाल दिया था, तो अब मैं इसको पौधों में डाल दूँगी। तो मेरे मनी प्लांट मैंने काफ़ी सारे बना लिए, ये मनी प्लांट हो गया, ये काफ़ी अच्छा ग्रो हो रहा था, ऊपर तक जा रहा था पूरा डंडे पे, तो मैंने इसको कटिंग करके यहाँ पे लगा दिया, कि बहुत सारी कलियाँ अलग अलग पत्ते कट करके लगा दिए, तो ये अच्छे से ग्रो हो जाएगा। ये मनी प्लांट हो गया, ये भी मैंने कटिंग करके लगाया, बहुत सारे हो गए हैं हरे भरे। कल मैंने लगाए थे वो मैंने यहाँ से कट, इसमें से कट किया था, ड्रेसिंग पे लगाए हैं जो। हे गाइस, तो पौधों में मैंने पानी डाल दिया है, तो कल जो मैंने उपले उपन बनाए थे ना छोटे छोटे, तो उनको देख के आते हैं कि वो सूख के कैसे हुए हैं कैसे नहीं। और जो मैंने आपको दिखाई नहीं थे कटोरी, जिन्होंने मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा उनको पता होगा कि मैंने बनाया था कुछ एक्सपेरिमेंट करके। तो ये बनाए थे मैंने कल, ये बोल रही थी मैं आपको कि मैंने इसमें कपूर डालो, सामग्री डालो और फिर पूरे घर में घुमा दो, ये वाले बनाए थे मैंने। तो एक्सपेरिमेंट काम तो कर गया मेरा, इतने सारे बना दिए थे कल मैंने, ये थोड़े धूप के लिए भी बनाए थे, ये तो अभी गिल्ले हैं, इनको तो अभी छेड़ो ही मत। अभी मैं थोड़ी देर के लिए फ्री हूँ, फिर पूजा का टाइम हो जाएगा, खाना बनाना है, और आज शायद किसी के घर कीर्तन भी होगा क्योंकि फर्स्ट नवरात्र है। अभी तक तो कोई कहने नहीं आया, लेकिन होगा तो ज़रूर, तो देखते हैं किसके घर होता है, तो रात को कीर्तन में भी जाएंगे। और छत पे देखो मियंक ने और शिवांश ने घर बनाया हुआ, ये पूरी टाइल है ना इन्होंने ऐसे ही खेल खेल के तोड़ दी, वेस्ट कर दिए सारी। वो तो छोटा सा नमूना था, अब देखो इधर तो मैंने देखा ही नहीं, ये बड़ा नमूना ही है। क्या करूँ मैं इन बच्चों का, पूरी नीचे से मैंने जितनी भी ईंटें हैं ना सारी नीचे से उठवाई थी लोगों से कि ऊपर रख के आओ, और ऊपर भी घर बना दिए, पहले नीचे बनाए हुए थे सीढ़ियों के पास और अब ऊपर बना दिए। ये सारी ईंटें यहाँ से उठाई हैं इन्होंने, और ये टाइल्स यहाँ लगी हुई थी जहाँ पे आपको निशान दिख रहा होगा, यहाँ से सारी उठा दी। कितना बड़ा पौधा, आप कमेंट कर करके बताओ किस किस ने ये खाए हैं बम्बोले, अभी तो ग्रीन है, ब्लैक नहीं हुए, पके नहीं अभी, कैसे जाम गया पौधा छत में, कितना बड़ा हो गया। और ऐसे पौधों को देख के चाहे कोई कबाड़ को, मेरा फाड़ने का बिल्कुल मन नहीं करता इनको। ये कैसे जाम जाते हैं, जिन पौधों की हम इतनी केयर करते हैं ना वो बड़े नहीं होते, जो घास फूस कबाड़ के होते हैं वो इतने बड़े बड़े हो जाते हैं बिना किसी पानी के बिना किसी खाद के, और उनको इतना प्यार से पालो पोसो फिर भी सूख जाते हैं, ये फैक्ट है, बताना आप कमेंट करके किस किस के साथ ऐसा हुआ है। तो अभी फ़ोन मेरा हो गया है डोन, 7% बैटरी है, इसको लगाते हैं चार्जिंग पे, और जो पिछला व्लॉग आया उसको ज़रूर देख लेना, और जब भी आएगा इसको भी देख लेना, और अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो कितने ख़राब हो आप, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। ऐसा भी हो गया है जोत जगाने का टाइम, तो अभी मैं जगाने लग रही हूँ जोत, और जब तक मेरा फ़ोन चार्जिंग पे था तब तक मैं भर रही थी स्वरूप को, तो ये मेरा एक टैलेंट है जो मुझे आता है। तो ये थोड़ा सा रह गया, लेकिन दो डब्बे रह गए बस, तो ये तो बाद में हो जाएगा, फ्री का टाइम है तो जोत जगाना जरूरी है, तो अभी जगाते हैं जोत, और उसके बाद हमें खेत में जाना है चीरी लेने के लिए, थोड़ी बहुत जो रह गई थी भैयों ने काट दिया और उसको कट्टो में रखी है भरी हुई, बस उठा के लेके आना है, और तब तक मैं जोत जगा देती हूँ। और कीर्तन का भी बुलावा आ गया, रात को 8:30 बजे कीर्तन पर जाना है, तो पहले जोत जगाते हैं फिर खेत से चीरी लेके आते हैं फिर खाना बनाते हैं उसके बाद कीर्तन में जाएंगे, तो अभी जगाते हैं जोत। की आरती मैया की ग्रहण करो, मैया आपकी हर मनोकामना पूरी करे, आपके दुख कष्ट दूर करे,
और आपकी ज़िंदगी में हमेशा खुशी आए, बरकत आए और माता रानी आपको अच्छे रास्ते पर चलने की शिक्षा दे। तो अभी मैंने इसको पूरा फील कर दिया है, पूरा भर दिया मैंने इसको अच्छे से और मेरा ये सारा ठीक है। किसी को यकीन नहीं है ठीक है, तो एक डब्बे में 9 तक गिनती होनी चाहिए, कोई भी अक्सर रिपीट नहीं होना चाहिए किसी भी डब्बे में। तो आप देख सकते हैं किसी भी में डब्बे में कोई भी अक्सर रिपीट नहीं हो रहा, 9 तक ही काउंटिंग है सब में। और ये मेरा कंप्लीट हो गया, तो अभी करते हैं खाने की तैयारी, खाते हैं और फिर चलते हैं कीर्तन में। तो खाना अभी हमने खा लिया है और सारा काम फिनिश हो गया, बर्तन सब साफ़ कर दिए हैं, बच्चे तो सो भी चुके हैं मेरे, बच चुके हैं। और अभी टाइम 8:30 हुआ है, कीर्तन का टाइम हो गया, 8 बजे मैं कोई आता नहीं तो सबसे पहले मैं ही पहुँच जाती हूँ, तो इस वजह से अब 8:30 हो गया। तो अभी चलते हैं कीर्तन में। तो मैं कीर्तन में फ़ोन लेके नहीं जा रही क्योंकि इसकी बैटरी चार्ज नहीं हुई है, 5% है अभी भी, और मैं इसको चार्जिंग पे लगाती हूँ। और क्योंकि मैं ब्लॉग अपलोड कर रही थी इस वजह से चार्ज नहीं हुआ, क्योंकि जितना चार्ज हो रहा उतनी बैटरी खाई जा रहा था फ़ोन, तो इसको मैं लेके नहीं जा रही। तो मैं आपको आके मिलती हूँ कीर्तन से। गाइस, तो रात में कीर्तन से प्रसाद लेके आई थी और आती सो गई, मेरे याद ही नहीं रहा कि ब्लॉग एंड भी करना है। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, आई होप आपको अच्छा लगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। जय माता दी गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।